नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है और पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो बहम है, जो इंतजार है वो लगा हुआ है। मालूम हो कि 12 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ है उसमें सबका इंतजार बना हुआ है, चूँकि 45 दिन उन्हें इंतजार करने का वक्त भी मिला है कि उसमें जो भी उनका पर्सनल इंटरव्यू का जो कॉल आना है 45 दिन के अंदर आएगा। इसमें चटपटाहट बनी हुई है और हर लोग इस असमंजस में है कि मेरे पास कॉल आएगा या नहीं आएगा, लेकिन 45 दिन तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा हर हाल में। ये लगता है अगस्त 3rd वीक आपका जाएगा ही, या 4th रख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो भी हो रहा है कम्पैक्ट, बहुत जगह आप ये सूचना देखिएगा कि तीसरी बार भी ये ऑडिशन होने वाला है या रजिस्ट्रेशन होने वाला है, ये बिल्कुल बहम है, गलत फहमी है। इस गलत फहमी को मत बांधिए, क्योंकि हर लोग अपने वीडियोस को बनाने के लिए या व्यूज़ को उठाने के लिए ऐसी ऐसी गलत फहमियाँ उसमें डालते हैं ताकि आदमी कन्फ्यूज हो जाए। देखिए, जितना नॉलेज हो उस नॉलेज के आधार पर वीडियो बनाना चाहिए, व्यूज़ उठे या ना उठे, आप उसमें सब्सक्राइब करें ना करें अलग की बात है, लेकिन गलत रूप से कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो इन दिनों देखा जा रहा है। अभी मेरे पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है क्या तीसरी बार भी रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि अन्य वीडियोस को देख करके लोग इस तरह कंफर्म करना चाहते हैं, सोचते हैं कि किसी तरह कंफर्म हो, क्योंकि हर इंसान चाहता है एक अच्छा मंच, व्हाइट मंच, जिससे व्हाइट मनी कमाया जा सके। और KBC एक ऐसा मंच है जिसमें बिल्कुल ईमानदारी और वफादारी से अपने नॉलेज से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो इसलिए हर इंसान का छटपटाहट है, हर आदमी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहता है, सोचता है गेन करें अपनी औकात को, यानी कि अपनी कैपेसिटी, अपना नॉलेज गेन करें और गेन करके उस मंच पे जाएं। बहुत लोगों का अभी चुनाव हुआ, बहुत लोग चटाए भी गए, कोई पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, अंत तक आज आखिरी पड़ाव है जिसमें किसके पास कॉल आता है और किसके पास नहीं आता है ये तो वक्त ही जानते हैं या ऊपर वाले जानते हैं, हमारे और आपके बस की चीज़ नहीं है। अगर बस की होती तो करोड़ों लोग इसमें अपने रजिस्ट्रेशन कराए थे तो करोड़ों लोगों का चुनाव हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मात्र 500 से 600 लोगों का ही चुनाव होना है, और वो भी KBC मंच पर जाते जाते, जो फास्ट फिंगर फास्ट का जो कुर्सी है उस टेबल पर जाते जाते लोग जितने छट जाएंगे वही आपको सामने में हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठ पाएंगे। ये भी हम आपको सच बता दें, चंद मिनट के लिए तकलीफ जरूर होती है इंसान को सच्चाई सुनने में, लेकिन झूठ आश्वासन, हम आपको झूठी आश्वासन दे दें और उसके बाद जो दिल पे धक्का लगेगा ये बहुत गुनाह हो जाएगा और ऊपर वाले भी हमें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तो जो भी होता है हम आपको सच ही बता देते हैं अपने औकात के अनुसार, यानी मेरे पास जो जानकारी है उस जानकारी के एवज में ही हम आपको हर चीज़ बताते आ रहे हैं, और उस पर बिल्कुल आप उस निष्ठा से आप विश्वास कर सकते हैं। अभी 2-3 चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, कृपया करके आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें कोई भी बकवास नहीं है, लेकिन हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताएंगे जिसमें आपको एक हौसला भी मिलेगा आगे बढ़ने का। जरूरी नहीं कि KBC मंच ही ऐसा है जो आपको करोड़पति बनाए, हम चाहते हैं, मेरी शुभकामना है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिनका भी इंतजार बना हुआ है आप उस मंच पर जाएं, ये मेरी शुभकामना है, चूँकि वहाँ मेरी हार कहाँ है, मेरी तो जीत है, चूँकि हम चाहते हैं मेरे वीडियो से आप लाभ उठाइए और आप करोड़पति बनिए। करोड़पति क्या, हम तो चाहेंगे अरबपति बनिए, मेरी हौसला है बिल्कुल और हम चाहते भी हैं, लेकिन आपसे कुछ बातों के लिए हम चाहेंगे कि बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप समझिए। आज क्या है, हमारे पास कुछ मैसेज भी आता है, कुछ अन्य मैसेज भी हमारे पास आ रहे हैं फ़ोन से जानकारी लेने के लिए कि हमारे पास शायद उन्हें वो जानकारी मिल पाए जिसका उनको इंतजार है, यानी कि तीसरी बार रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं। तो ये चीज़ है कि तीसरी बार रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि KBC मंच लगातार रजिस्ट्रेशन ही तो नहीं करेंगे ना, शो भी तो चलाना है, फिर अगला सीजन जो उनका 13वां सीजन होगा वो भी तो चलाना है, तो वक्त यूं ही भाग रहा है। मालूम है कि महानायक अमिताभ बच्चन जो अभी मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी खुशी की बात है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या को लगभग में थोड़ा सा उनको रियायत मिला है, यानी कि लगता है कि वो बहुत जल्द छूट जाएंगी। ये भी एक फेक न्यूज है या बिल्कुल परफेक्ट है मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कहीं ये बातें होती हैं ना वाली और कहीं हाँ वाली, तो इसमें ये मैसेज नहीं देंगे, लेकिन दुआ जरूर कर रहे हैं महानायक के विषय में, और आप भी दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर के घर वापस आ जाए और KBC मंच पर वैसे ही हमारे पूरी दुनिया के लोग उनको देख सकें, उनकी मुस्कुराहट को, उनकी पर्सनैलिटी को। फिलहाल हम आपको ये जानकारी देते हैं कि अभी जो लोग छटे हैं, चूँकि बहुत लोगों का ये कहना है कि 6 जून वाले जो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे तो बहुत कुछ ऐसा हो गया था कि जो प्रॉब्लम हुआ था और लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ ना कि जो दूसरी बार जो दूसरे चरण में जो रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, उसमें जो 23 क्वेश्चन आया उससे पहले वाले भी बगैर सूचना आए
बगैर उनके यहाँ मैसेज आए, वो भी सोचे कि पहली चरण में तो हमने जवाब दिया था जो डिस्कनेक्ट हो गए थे कुछ वीडियोस में कुछ ऐसे ही, तो वो सोचे कि चलो हम तो चुने गए हैं तो दूसरी वाले में भी हम कंप्लीट कर देते हैं। और देखा देखी चूंकि इस पे पूरा 23 क्वेश्चन तो आपके वीडियोस पे कहीं ना कहीं कोई वीडियोस खोलेंगे तो उस पे आ जाता है, वो उसी के उसमें नकल में यानी कि आया और वो 23 का 23 क्वेश्चन सबमिट किए, वीडियो भी किए। आप इस गलतफहमी में कदापि मत रहिए। अगर आप अपने मन से बगैर इन्फॉर्मेशन KBC मंच का बगैर आपके पास आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आए भी है अगर आप उसको सबमिट किए हैं तो ये कॉल आपको नहीं आएगा। जो भी आपको ऐसा बोल रहा है वो आपको गुमराह कर रहा है। दूसरी बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि बहुत लोग का चाव है किसी भी तरह उस मंच पे जाना, तो गलत रूप से आप ना जाएं, क्योंकि अभी फेक न्यूज बहुत चल रहा है। 25,000 रुपये 30,000 रुपये ले करके भी लोग ये कहते हैं कि आपका नाम उसमें हम जुड़वा देंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। लाइए मैं मोहर मार देती हूँ और आपको बता देती हूँ, चूंकि KBC मंच ऐसा है जो आप किसी का भी 25,000 30,000 रुपये वो तो 1 रुपये भी नहीं लेते हैं। जो मंच है बिल्कुल व्हाइट मंच है, जहाँ तक हमारी आत्मा जानती है, अंदर की बात हम नहीं जानते, लेकिन कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं है, चूंकि इतने बड़े मंच को वो अपना नहीं चाहेगा कि नाम हम खराब कर लें। उस मंच को कहते हैं ना कि समुद्र को बूंद नहीं चाहिए, ये 25,000 और 30,000 एक बूंद बराबर है। क्या KBC मंच आपका 25,000 और 30,000 लेके क्या ये गलत करेगा, अपने नाम को बदनाम करेगा? कदापि नहीं। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए और आपका जो 25,000 रुपया है किसी के भी बहकावे में मीठी मीठी बातें गोल गोल बातें करने वाले बहुत लोग पड़े हुए हैं। दिन रात आप अखबारों में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, ऐसा ही होता रहता है। तो कदापि इस गलतफहमी में मत रहिए कि हमको 25,000 रुपया अगर हम देते हैं तो हम हॉट सीट पे जा सकेंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नहीं, ये कभी भी नहीं सोचिए, मेहनत कीजिए। हाँ, वहाँ अगर आप लगाएंगे ना मन्नतें, वहाँ मांगेंगे तो ऊपर का ऐसा पावर होता है जो आपकी हर इच्छा को वह पूर्ति कर देते हैं। बाकी धरती पे कोई ऐसा नहीं है जो घूस लेके आपको उस मंच तक या वहाँ तक पहुँचा दे, चूंकि ये जहाँ तक हमारा नॉलेज है इस नॉलेज पे हम आपको बता रहे हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इस मंच पे दो व्यक्ति ही होते हैं जो उस मंच पे जाना चाहते हैं। एक तो वो जो पैसा कमाना चाहते हैं, जिनके विषय में कुछ सपने होते हैं कि हम उसमें पूरा कर लें, सिर्फ और सिर्फ पैसा कि किसी तरह व्हाइट पैसा है, चूंकि सब लोग गलत नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास जीने के लिए पूरी चीज़ें होती है, लेकिन एक शौक होता है पूरा दुनिया हमको देखे। साथ में तो पैसा आ ही जाता है लेकिन नाम भी आ जाते हैं पूरी दुनिया में, चूंकि चेहरे से ही एक पहचान बनती है। आज हम लोग जिनको भी देखते हैं चेहरे से ही देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी इतना हमारा जो भारत या फिर हमारी जो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है और मीडिया के बदौलत हम जान लेते हैं एक दूसरे को कि अमिताभ बच्चन क्या है, आप क्या जानते हैं? अमिताभ बच्चन की पिक्चर को देखा है, उनकी पर्सनैलिटी को देखा है, उनके चेहरे को आप पहचानते हैं तो समझते हैं अमिताभ बच्चन है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता और अचानक एक आदमी आता है जिसको आप कभी देखे भी नहीं है और वो कहते हैं हम अमिताभ बच्चन है, नेचुरली पूरी दुनिया समझती कि ये अमिताभ बच्चन है, क्योंकि हमारा टेक्निक इतना आगे बढ़ चुका है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हर दिन हम आगे हमारे भारत वर्ष आगे बढ़ते ही जा रहा है और हम उससे नॉलेज लेते जा रहे हैं। तो कदापि इस चीज़ों में नहीं, तो उसमें मंच में लोग सोचते कि चलो थोड़ा सा दुनिया में हम नाम कमा सकते हैं, तो उस नाम के लिए अभी हम बता देते कि हमारा एक वीडियो है इस पे, आप उसको देख सकते हैं और उसमें भी हम आपको दे रहे हैं ये जानकारी। तो उसमें कपिल शर्मा शो में एक ऐसा चीज़ आ रहा है जिसमें आप प्रतिभागी बन सकते हैं और घर बैठे ही पूरी दुनिया में आपके चेहरे नजर आ सकती है और खुद को भी आप देख सकते हैं, परिवारों के बीच भी आप इस चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो कृपया करके उस क्या कहते हैं वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाभ लेंगे। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें 7 करोड़ रुपये होते अंतिम पड़ाव कौन बनेगा करोड़पति, और ऐसा नहीं है कि लोग 7 करोड़ रुपये जीत ही लेते हैं, कुछ 10,000 भी जीत करके वापस आते हैं। लेकिन अभी हम आपको ऐसा मंच भी बताने वाले हैं जिसमें आप करोड़पति ही नहीं अरबपति भी बन सकते हैं और बिल्कुल व्हाइट मनी, क्योंकि अभी टीम से बात हो रही है और वो टीम बहुत जल्द इस चीज़ों को शुरू करने वाली है। फिलहाल हम आपको कहते हैं हौसला बुलंद रखिए, कभी घबराइए मत, आपके भाग्य को कोई छीन कर नहीं ले जाएगा। आपको अगर बनना होगा करोड़पति तो आप बन के ही रहेंगे, आपको बनना होगा अरबपति तो आप बन के ही रहेंगे, कोई छीनेगा नहीं आपका भाग्य, ये हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन उस झांसा में कभी मत आइएगा कि 25,000 रुपये दीजिए 30,000 रुपये दीजिए, हम KBC मंच पे पैर भी करके हम आपको वहाँ पे सीट दिला देते हैं। अगर ऐसा होता तो वो बंदा खुद नहीं चला जाए 25,000 रुपये दे करके, या अपने फैमिली में आसपास वाले को नहीं ले ले? देखिए, सबसे पहले एक परिवार जो होता है ना, तो परिवार के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उसके बाद अपना समाज होता है, समाज के बाद फिर आप होते हैं, इतना कभी मत भूलिए।
तो वो बंदा आपके पास कैसे बोल सकता है कि मेरे को 25,000 रुपये दो और हम केबीसी मंच पर आपको पहुंचा देते हैं। पहले तो वो बंदा खुद पहुंचेगा, फिर अपने परिवार को पहुंचाएगा, परिवार के बाद अगर अपना दरवाजे के बाहर अगर हम जाते तो आस पड़ोसी वाले होते हैं, पड़ोसी वाले को हम पहुंचाएंगे, और फिर जा करके समाज वाले होते हैं, फिर आता है बाद में देश। तो इस तरह जो हम घर से निकलते हैं तो घर में बहुत सारे परिवार होते हैं, तो वो बंदा पहले उसको पहुंचाएगा कि पहले आपको पहुंचाएगा। ये गौर करने की बात है, आप कभी इस झांसे में मत आइए। आपको कहना इसलिए कि अभी धोखाधड़ी चल रही है और इंसान चाह रहा कि किसी भी तरह, और बहुत सारे दिन रात ऐसे धोखा होते हैं, आदमी इतना इमोशनल आपको बना देगा ना, इतना आपके दिल के अंदर छेद कर देगा, होल कर देगा कि आपको लगेगा नहीं ये तो झूठ बोल ही नहीं सकता। उस वैसे वैसे बंदे तो भगवान के कसम खा करके भी झूठ बोलता है, जो रात दिन ऐसे ही झूठ का व्यापार कर रहा हो उसको आपसे चंद मिनट झूठ बोल के अगर 25,000 रुपया वो ठग लेता है तो आपका चला जाएगा, उसका क्या जाएगा, वो तो ऐसे ही सर को झाड़ेगा और आगे बढ़ जाएगा। चूंकि ऐसी चीज़ों को हम क्यों बता रहे हैं, चूंकि रात दिन देख ही रहे हैं, और अभी बिल्कुल ये अफवाह चल रहा है लगभग 1 मंथ से। अब क्या हुआ ना कि 1 मंथ से ये चीज़ों को हम सुनते आए हैं और वीडियोज भी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम आप ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, बिल्कुल वो सातवां महल आपका नहीं बन पाएगा। सातवां महल का मतलब वो जो 7 करोड़ रुपये की बात आती है, तो पहली बात तो वो आप जीत नहीं पाएंगे, 7 करोड़ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। अब अलग की बात है, जिस समय 5 करोड़ रुपये थी उस समय बिहार के एक सुशील कुमार जो थे वो 5 का 5 करोड़ जीते थे। अपने नॉलेज पे गेन पे, वहाँ सिर्फ नॉलेज ही काम नहीं आता, एक भाग्य भी आपका काम आता है। तो ये चीज़ें थी, आज हम आपको फिर बता रहे हैं 10,000 रुपये भी कौन बनेगा करोड़पति मन से लोग जीतने वाले हैं। तो ये चीज़ है कि वो झांसा में आपको क्या देगा कि चलिए 4 ऑप्शन आपको मिल, 4 आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है जज, यानी कि जहाँ से आप ले सकते हैं। ऑडियंस पोल है, जो पोल होता है 4 पोल आप ऐसे ही ले सकते हैं, जिसमें आप कम से कम 3-3.5 लाख रुपए तो जीत ही जाएंगे। तो इंसान सोचता है कि चलो जब 3.5 लाख रुपए हम जीत ही जाएंगे तो 25,000 रुपए हमको देने में क्या लगता है, तो लोग देते हैं, दे भी रहे हैं। तो इस तरह आप बहुत ठग हुआ है, बहुत ऐसा हुआ है, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक की हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत लोग पैसे दिए हैं केबीसी मंच के लिए, और पाकिस्तान में भी ऐसा बहुत सारा लूट हुआ है। ये मैसेज आप तक भी पहुंचा होगा, और हिंदुस्तान में ऐसी बातें हो रही हैं, तो कृपया करके इस झांसे में आप कभी मत आइए। और एक चीज़ आपको जाते जाते एक छोटा सा नॉलेज हम आपको दे रहे हैं कि भव्यश्री में ही एक आप बूझो तो जाने एक एपिसोड आ रहा है जिसको आप देखना नहीं भूलिएगा, उसको आप जो भी आता है उसमें देखिए, उसमें कुछ नॉलेज आपको आजकल वाले एपिसोड में आपको मिलना है, उससे भी आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। एक बात मैं ये कहूंगी, सने सने बढ़िए, जरूरी नहीं कि अचानक हम छलांग लगा दें और हम 7वें मंजिल पे पहुंच जाए, नहीं, सने सने अगर हम आगे बढ़ेंगे ना तो पैदल ही सही, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उस मंजिल पे आप पहुंच सकते हैं। स्टेशन भले ही 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, जरूरी है कि हम सवारी से ही जाएं। अगर सवारी नहीं मिले पैदल चल के देखिए, यही चीज़ है कि हम 1 घंटा में नहीं पहुँच कर हम 10 घंटा में पहुँचेंगे, लेकिन हम पहुँच जरूर सकते हैं, ये मेरा दावा है। और मन में एक आत्मविश्वास रखिए, और साथी किसको मनाइए, ऊपर वाले को, ऊपर वाले जो साथी बनते हैं ना उस आपको उस मंजिल पे जरूर पहुंचाते हैं जहां आपकी इच्छा है। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है ना उसमें 2 बातें रखिएगा, एक बातें तो ये रखिएगा कि किसी का बुरा कभी मत सोचिए, भले ही उसका जो हो, आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने का भी अधिकार नहीं है, यही मैं सोचती हूँ। इसलिए जो भी वीडियोस हम परोसते हैं ना उसे बिल्कुल नॉलेज लेकर के परोसते हैं, कभी नहीं चाहते गलत रूप से हमारे पास एक व्यूज भी हो। अरे हमको तो आप पर गुमान है, आप पर हम गरूर करते हैं, और आप हमारे लिए केबीसी मंच से कहीं ज़्यादा बड़ा मंच तो आपका दिल है मेरे लिए कि आप 1 सब्सक्राइब कर देंगे उसी से हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। तो आप है ना हमारे व्यूवर्स, आप व्यू बढ़ा सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझे लाइक और शेयर कर सकते हैं, हम क्यों जाएं गलत करने के लिए, क्यों करें गलत। तो आप हमारे ग्रुप है, मेरा जो घमंड है ना वो सिर्फ आप पर है, और आप हर कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि दिन में रोशनी नहीं हो सकती है, अरे जिंदगी में तो आप जैसे लोग अगर आगे बढ़ जाए ना तो रात को भी रोशनी में बदल सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो हमको आप पर घमंड है, और जो भी मंच है ना उससे कहीं बड़ा मंच आपका हृदय है मेरे लिए। तो ये मैंने सोचा कि नहीं, अगर आप में गड़बड़ियां हो, आपको कोई ठग कर भाग जाए, नहीं, इससे पहले हम ये वीडियोस बना करके आपके सामने परोस देते हैं ताकि आप इससे लाभ उठा सकें। थैंक यू।